स्वागत है आपका ओपन अप बिजनेस चैनल में। डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। आज हम जानेंगे अमित बर्मन की सक्सेस स्टोरी के बारे में। अमित बर्मन जो कि डाबर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं। अमित बर्मन कहते हैं कि फैमिली बिजनेस में प्रवेश करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और उतना ही कठिन अपनी गुडविल कायम रखना है और कंज्यूमर को न्यू अपडेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना है। अमित बर्मन जिन्होंने डाबर इंडिया लिमिटेड के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अपना करियर शुरू किया था, वो आज इस कंपनी के वाइस चेयरमैन होने के साथ साथ लाइट बाइट फूड के चेयरमैन भी हैं। अमित बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत भले ही फैमिली बिजनेस से की हो, लेकिन उन्होंने खुद के लिए जो इंडिपेंडेंट बिजनेस का सपना देखा था उसे पूरा जरूर किया है, जिसमें उनकी फैमिली ने उनका पूरा सपोर्ट किया है और इस सपोर्ट की वजह से आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अगर आप भी बिजनेस में प्रवेश करने जा रहे हैं तो अमित बर्मन का सफर आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। अमित कहते हैं कि मेरे पैक फ्रूट जूसेस वाले आइडिया को मेरे पिता स्वर्गीय जी सी बर्मन ने सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी, अगर तुम्हें अपने सपने पर पूरा यकीन है तो कोई भी तुम्हें उसे पूरा करने से नहीं रोक सकता। इस एक वाक्य ने मुझे पूरी तरह मोटिवेट किया और मैंने अब तक जो भी बिजनेस सेटअप किए हैं वो बिजनेस करने की इंस्पिरेशन मुझे मेरे पिताजी के इन्हीं शब्दों से मिली है। इसके बाद मैंने भारत में पहले पैक्ड फ्रूट जूसेस ब्रांड को लॉन्च किया। अमित कहते हैं, जब मैं विदेश से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके भारत आया तो मैं अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पर पैक्ड फ्रूट जूसेस को बहुत मिस करता था, क्योंकि विदेश में यह मेरे नाश्ते का एक रेगुलर हिस्सा हुआ करता था। मुझे यह हमारे बिजनेस के लिए एक अच्छा अवसर महसूस हुआ, लेकिन मैंने जिससे भी यह आइडिया डिस्कस किया उसने सिर्फ मुझे डिस्करेज किया। मगर कहीं ना कहीं मुझे यकीन था कि यह बाजार ऐसा है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तब मैंने नई कंपनी स्थापित करने का फैसला किया और आज मैं अपने इस डिसीजन पर प्राउड फील करता हूं। अमित का मानना है कि बिजनेस में इनोवेशन उसकी लाइफलाइन की तरह होता है। अगर आप बिजनेस में कुछ नया नहीं करेंगे तो आपके टिकने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। जब भी अपने बिजनेस में कोई नई चीज लेकर आए तो अपने कंज्यूमर्स की जरूरतों और रिस्पॉन्सेस का ध्यान जरूर रखें। चेंजेस को जल्द से जल्द एक्सेप्ट करने की कोशिश करें ताकि कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से सेटिस्फाइड रहें। अमित बर्मन कहते हैं, कोई बिजनेस तभी एस्टैब्लिश्ड हो पाता है जब एंटरप्रेन्योर उसे लेकर पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहता है। नए एंटरप्रेन्योर के सामने ऐसे कई चैलेंजेस आते हैं जहां सिर्फ उनका पॉजिटिव एटीट्यूड ही काम आएगा। अपने गोल और डायरेक्शन को हमेशा क्लियर रखें। जब एंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड रहेगा तो उसकी टीम भी पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रयास करेगी। हम आशा करते हैं कि अमित बर्मन की इस सक्सेस स्टोरी और अमित बर्मन द्वारा बताए गए बिजनेस टिप्स को आप पसंद करेंगे। आप किस बिजनेसमैन की स्टोरी आगे वीडियोस में जानना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी और भी सक्सेस स्टोरीज और बिजनेस आइडियाज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ओपन अप बिजनेस। डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क।